हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वीकली कॉन्टेक्ट 399 की सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है स्ट्रिंग कंप्रेशन 3। इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, हमें उसका कंप्रेस्ड वर्जन रिटर्न करना है। कंप्रेस्ड वर्जन बेसिकली क्या है, आपको करेक्टर की फ्रीक्वेंसी और फिर करेक्टर, जैसे यहाँ पर ए हमारा वन टाइम आ रहा है, वन ए, फिर वन बी, फिर वन सी, फिर वन टाइम डी आ रहा है, वन डी, फिर वन ई, पहले करेक्टर की फ्रीक्वेंसी और फिर वो कितनी टाइम्स आ रहा है, इस फॉर्मेट में रिटर्न करना। एक एडिशनल कंडीशन हमें क्या दिया है कि अगर एक करेक्टर 9 टाइम्स से ज्यादा बार आ रहा है तो पहले आपको उसको 9 टाइम्स ए जो भी करेक्टर है वो प्रिंट करना है, और फिर बचे हुए करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे 5A, मान लो 14 टाइम ए आ रहा होता तो 9A 5A, इस तरह से हमें रिटर्न करना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर हमारा ए 14 टाइम्स आ रहा है, फिर 2 टाइम्स बी आ रहा है, तो हम 14A 2B इस तरह ना करके क्या करेंगे, पहले 9 टाइम्स ए, फिर 5 बचे, 5 टाइम्स ए, फिर 2 टाइम्स बी। बेसिकली हम नॉर्मल क्या कर रहे हैं, पहले जो करेक्टर कंटिन्यूस आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, फिर करेक्टर, फिर जो सेकंड करेक्टर आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, और फिर वो करेक्टर कंटिन्यूस कितनी बार एक साथ आ रहा है उसका काउंट, और फिर वो करेक्टर। लेकिन साथ में क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई करेक्टर 9 से ज्यादा टाइम्स कंटिन्यूस आ रहा है तो हमें उसे ब्रेक कर लेना है, 9 टाइम्स वो करेक्टर, फिर रिमेनिंग टाइम्स वो करेक्टर। अगर हमारा इस तरह से आ रहा होता, मान लो 21 टाइम्स ए आ रहा होता, तो हम क्या करते, 9A 9A, अब हमारे 3A बच गए, 3A, इस तरह से हम उसको डिकम्पोज कर लेते। अगर हमें ये 9 वाली कंडीशन ना दी होती तो हम सिंपली क्या करते, हम जो भी हमारा करेक्टर है, इनिशियल करेक्टर है, उसकी फ्रिक्वेंसी काउंट करते जाते जितनी भी आती, जैसे 14 आई, और फिर उसके बाद वो करेक्टर, जैसे हमें फर्स्ट करेक्टर डिफरेंट मिला वहां पर हम इसे अपेंड कर देते, फिर जो न्यू करेक्टर आया उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करना शुरू करते, जब तक हमें डिफरेंट नहीं मिलता वहां तक हम काउंट करते जाते, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेते, फिर थर्ड करेक्टर, फिर फोर्थ करेक्टर, इस तरह से हम जितने हमारे डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर आते जाते सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट करते जाते, उनको स्टोर करते जाते और फिर अपना करेक्टर लिख देते। इसमें बस हमें एडिशनल क्या करना है कि जब भी हमारा काउंट 9 पर रीच कर जाए तो हमें वहां पर ब्रेक करना है कि पहले उस 9A को प्रिंट करो, अपने काउंट को रीइनिशियलाइज करो 0 से, और अगेन काउंटिंग को स्टार्ट करना शुरू करो। बेसिकली 9 कंटिन्यूस करेक्टर्स के बाद जो नेक्स्ट करेक्टर आ रहा है उसको डिफरेंट करेक्टर की तरह ट्रीट करना है, बस इतना सा मॉडिफिकेशन करना है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम एक ट्रैवर्सल चलाएं, अपना काउंट मेंटेन करते चलें, अगर 9 से ज्यादा आ रहा है तो वहां पर हम ब्रेक कर दें, अदरवाइज जितनी बार वो कंटिन्यूस आ रहा है पहले वो लिख दें और फिर जो करेक्टर आ रहा है वो लिख दें। इस तरह से कंप्रेस्ड स्ट्रिंग को हम रिटर्न कर सकते हैं। हमारा सिंपली कोड क्या रहेगा, हमें कंटिन्यूस करेक्टर्स काउंट करने हैं, तो हम एक पॉइंटर यहाँ पर फिक्स कर देंगे, ये हमारा सेम है, फिर नेक्स्ट करेक्टर देख लेंगे क्या इसके सिमिलर है, हाँ सिमिलर, हमारा काउंट 2 हो गया, फिर नेक्स्ट देख लेंगे 3 हो गया, फिर नेक्स्ट देख लेंगे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9, यहाँ तक हमारा 9 काउंट हो गया, तो हमें यहाँ पर ब्रेक करना है, यानी कि अपने आंसर में स्ट्रिंग को अपेंड करना है, तो हम 9A ये अपने स्ट्रिंग में अपेंड कर देंगे, बेसिकली काउंट और फिर क्या करेक्टर था, ए था, ये अपेंड कर देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट से हम न्यू काउंटिंग शुरू करेंगे, यहाँ पर हमारा पॉइंटर आ गया, यहाँ से 1 2 3 4 5 इनको काउंट कर लेंगे, अब हमारा नेक्स्ट डिफरेंट करेक्टर है तो पहले हम 5A ये स्टोर कर लेंगे और फिर नेक्स्ट करेक्टर से अगेन अपनी काउंटिंग को शुरू कर देंगे, BB 2 टाइम्स B, ये हम स्टोर कर लेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक आई पॉइंटर जो यहाँ पर फिक्स रहेगा, जे पॉइंटर एक एक आगे मूव करता जाएगा, जिसको हम जो हमारा ith पॉइंटर है इससे कंपेयर करते जाएंगे कि सेम करेक्टर है या डिफरेंट करेक्टर है, और एक हमें चाहिए काउंट कि अब तक हमारा काउंट कितना आया है, हमें काउंट कोमा करेक्टर ये स्टोर करना है, तो हमने 2 पॉइंटर और एक काउंट वेरिएबल ये ले लिया। फिर जब तक हमारा एरे एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक हमें कंटिन्यू करना है, और करना क्या है, इसके अंदर हमें काउंट निकालना है कि कितने कंटिन्यूस सेम करेक्टर्स आ रहे हैं, तो हमने काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया, फिर जब तक हमारे करेक्टर सेम है हम एक एक आगे बढ़ते गए और अपने काउंट को भी इंक्रीमेंट करते गए, साथ में कंडीशन क्या लगा दी कि जब भी हमारा काउंट 9 हो जाएगा तो हम इस लूप से ब्रेक करके उसको अपने आंसर में स्टोर कर देंगे। आंसर में स्टोर कैसे करेंगे, पहले काउंट और फिर हमारा करेक्टर, और फिर हमारा ये करेक्टर अपडेट हो गया तो नेक्स्ट पॉइंटर हमें कहाँ पर लाना है, जैसे यहाँ से हमने 9A काउंट कर लेते, फिर नेक्स्ट पॉइंटर हमें यहाँ लाना है तो आई को हम जे पर ले जाएंगे, और फिर अगेन हमारी काउंटिंग को शुरू करेंगे, आंसर में स्टोर करेंगे, और फिर अगेन पॉइंटर को आगे ले जाएंगे, और इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे कब तक, जब तक हमारा स्ट्रिंग एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। तो सिंपली हम एक बार हमारे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हमारी टाइम वेस्टिंग क्या आएगी, ओ ऑफ एन, और हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे तो हमारी स्पेस क्या हो जाएगी, ओ ऑफ 1। थैंक यू गाइस।